Good afternoon. Let's start the next poem. The last poem of your Flamingo book. The Flamingo ki tab last poem hai. The name of the poem is Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich. Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich. Adrienne Rich, she was an American poet. वो एक अमेरिकन पोएट थे. उनका जन्म हुआ था 1929 में, 1929 में उनका जन्म हुआ था. एंड शी डाइड इन 2012 में उनका मृत्यु हो चुकी. तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रियन रिच के पोएम है. एड्रियन रिच जिन्होंने 19 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री लिखे थे, 19 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री लिखे थे और 13 कलेक्शन ऑफ एसेज. एसेज का कलेक्शन कितने थे? 13. तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये ए चेंज ऑफ वर्ल्ड नाम का एक वॉल्यूम था, एक कलेक्शन ऑफ पोएम. ये ए चेंज ऑफ वर्ल्ड जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, ये पब्लिश हुआ था 1951 में. ये वॉल्यूम ऑफ पोएम ये पब्लिश हुआ था. इस कलेक्शन का एक पोएम था जिसका नाम था आंट जेनिफर्स टाइगर. ये पोएम आज पढ़ेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट द थीम अबाउट व्हिच एड्रियन रिच यूज टू राइट. कौन कौन ऐसा थीम था, सब्जेक्ट मैटर था जिसके बारे में वो लिखते थे एड्रियन रिच. सी रोट अगेन रेसिज्म, जातिवाद, गोरा काला ये जो होता है, ये सब होता है रेसिज्म. रेसिज्म के अगेंस्ट लिखते थे. मिलिटरी जम, जो मिलिटरी पावर होता है उसके विरोध भी लिखते थे, है ना. अगेंस्ट जेंडर इक्वेलिटी, मेल फीमेल जो होता है, ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो जेंडर, इसमें क्या होता है कभी कभी इन इक्वल हो जाता है. हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर जो होते हैं और फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल लोग होते हैं और मेल होते हैं, उनको एक नज़र से नहीं देखते. तो ये जो इन इक्वेलिटी है इसके विरोध भी वो लिखते थे. और मैरिज, शादी, मैरिज में जो कुछ भी होता है, जो बॉन्डेज, जो रेस्ट्रिक्शंस, उसके विरोध भी लिखते थे ये आंट, सॉरी एड्रियन रिच. ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये एक पोएम जो मैरिज, अनहैप्पी मैरिज लाइफ, मैरिड लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो ऑब्लिगेशंस होता है, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके विरोध उन्होंने लिखे हैं इस पोएम में. इसमें आंट जेनिफर एक कैरेक्टर है, तो उनके बारे में बताया है सेकेंड चैप्टर में. और उससे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है, सॉरी सेकेंड स्टेंजा में, उससे पहले फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें पोएट ने क्या किया है, द टाइगर, जो टाइगर वो बनाए जेनिफर ने, कहाँ बनाए थे, एक कैनवास के ऊपर. एक कैनवास क्या होता है, कैनवास स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, कपड़ा का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर वीव कर किया जाता है, सिलाई किया जाता है, ऊल से जो आर्ट बनाया जाता है, किसी भी चीज़ का पिक्चर जो बनाया जाता है वीव करके, और ऊल से जो बनाया जाता है इसको टेपेस्ट्री बोला हो जाता है, ये आर्ट को टेपेस्ट्री बोला जाता है. तो कैनवास के ऊपर, कैनवास मतलब एक कपड़ा जो टुकड़ा, उसके ऊपर ऊल से जो वीव किया जाता है, तो ऊल से वीव करके क्या किए थे आंट जेनिफर ने, टाइगर बनाए. तो वो टाइगर के बारे में फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने कुछ लिखे हैं. उसके बाद सेकंड स्टेंजा में क्या किए हैं, आंट जेनिफर के बारे में डिस्क्राइब किए हैं. उसके बाद लास्ट स्टेंजा में ये जो दोनों टाइगर्स और आंट जेनिफर, ये दोनों को एक साथ मिंगल किए. तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, द रेस्ट्रिक्शंस, the obligations,
of unhappy married life. Married life में क्या क्या होता है इसके बारे में लिखे है इस poem में. Let's begin the poem. Please open your book. Aunt Jennifer's Tigers. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experience. A woman, एक महिला ने क्या किए है करते हैं बहुत जो experience किए हैं द constraints of married life. Constraints का मतलब क्या था obligations, restrictions, limitations. Obligations, restrictions और limitations जो प्रतिबंधकता होता है ये सब जो experience किए एक woman ने उनका married life में इसके बारे में ये poem है. Let's begin. Aunt Jennifer's Tigers, friends across a screen. Friends. The first line is Aunt Jennifer's Tigers, friends across a screen. Friends. फ्रेंड्स का मतलब क्या है टू मूव अबाउट विथ क्विक steps. तो क्या होता है friends का मतलब क्या होता है टू मूव अबाउट विथ क्विक हाई स्टेप्स क्विकली जो मूव करता है और हाई स्टेप मतलब जो जंप करते हुए जैसे बच्चे करते हैं ना जब बहुत खुश हो जाते हैं दौड़ते हैं भागते हैं और क्या करते हैं वो जंप करते हैं तो वो जो होता है उसको क्या बोला जाता है friends. तो इसमें क्या है आंट जेनिफर पहले ही बताए थे क्या किए थे she was making tigers actually वो tiger बना रहे थे weave कर रहे थे किसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक कैनवास के ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर टाइगर बना रहे थे विथ क्या जो नीडल होता है सुई होता है सुई सुई और ऊल के साथ एक टाइगर बना रहे थे weave कर रहे थे तो वो जो टाइगर्स थे आंट जेनिफर्स टाइगर्स तो वो टाइगर्स कौन थे आंट जेनिफर्स टाइगर्स दीज आर नॉट रियल टाइगर्स विच लिव इन द फॉरेस्ट जो टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसा टाइगर नहीं है ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक्चुअली ये टाइगर्स को कौन बनाए हैं आंट जेनिफर्स बनाए हैं किसके ऊपर एक कैनवास के ऊपर विथ नीडल आइवरी नीडल तो आइवरी नीडल के साथ एक सुई के साथ वो वीव किए है उस टाइगर्स को किसके ऊपर एक कैनवास के ऊपर ये जो टाइगर्स थे ये फ्रेंड्स अक्रॉस द स्क्रीन जैसे कैसा लगता लग रहा था जैसे स्क्रीन के ऊपर कैनवास के ऊपर वो क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं वो जंप करके मूव कर रहे हैं ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन आप ये टाइगर्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज किए दो एडजेक्टिव यूज किए हैं ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ब्राइट ये जो टाइगर ये बहुत ब्राइट दिखने में बहुत ब्राइट चमकदार लग रहा था एक्चुअली एक टाइगर नहीं थे बहुत सारे टाइगर्स थे टाइगर्स लिखा हुआ है चमकदार थे और टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन टोपाज टोपाज क्या होता है टोपाज एक स्टोन होता है येलो कलर क्या होता है ब्राइट येलो एक्चुअली ब्राइट येलो स्टोन एक ब्राइट येलो कलर का प्रेशियस स्टोन होता है क्या टोपाज तो टाइगर का कलर कैसा है टाइगर जो होता है कलर कैसा है येलो कलर का लगता है येलो कलर का टाइगर जो कैनवास के ऊपर वीव किए हैं आंट जेनिफर ने ये टाइगर दिखने में कैसा लग रहा था टोपाज जैसा टोपाज मतलब क्या है
येलो ब्राइट येलो पेसिया स्टोन, टोपाज जैसा लग रहा था दिखने में, इसलिए उसको टोपाज बोले हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और डेनिजेंस का मतलब क्या होता है, डेनिजेंस का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स, ड्वेलर्स, निवास, कहाँ रहते हैं वो, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन वर्ल्ड में रहता है। ग्रीन मतलब टाइगर कहाँ रहते हैं, हाँ जंगल में, जंगल कैसा होता है, ग्रीन हरा होता है, तो ग्रीन वर्ल्ड में जब टाइगर रहते हैं तब ऐसा लगता था इसमें इस कैनवास के ऊपर जो टाइगर बनाए हैं, वेव किए हैं आंट जेनिफर ने, ये कैसा लग रहा था, टोपाज जैसा। टोपाज क्या होता है, एक ब्राइट येलो प्रेशियस स्टोन, अंडरस्टूड। दीज आर द फर्स्ट टू लाइन्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, वो दौड़ रहा था, मूव कर रहा था स्क्रीन के ऊपर, ये लग रहा था एक्चुअली मूव नहीं कर रहे थे। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये जो टाइगर्स थे कैसा लग रहा था, जैसे टोपाज एक ब्राइट कलर का येलो कलर का टोपाज एक स्टोन जैसा लग रहा था, जो एक कैनवास के ऊपर वेव किया हुआ था। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो जो टेपेस्ट्री था, वो जो कैनवास था, उसके ऊपर और चीजें बनाया गया था, क्या था वो, एक ट्री भी बनाया गया था, एक पेड़ भी बनाया गया था जिसके नीचे क्या थे, मैन, ह्यूमन बींग्स भी, एक ट्री था उसके नीचे ह्यूमन बींग्स थे, लेकिन वो जो कैनवास, कैनवास में जो टाइगर्स थे, कैनवास में जो टाइगर्स थे वो डरते नहीं थे, वो जो मैन, वो जो लोग खड़े थे ट्री के नीचे कैनवास के अंदर, उनसे नहीं डरते थे वो टाइगर्स। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो लोग नहीं डरते हैं जो मैन खड़े हैं ट्रीज के नीचे, उनसे नहीं डरते हैं वो टाइगर। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, दे मतलब द टाइगर्स, द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, दे पेस, पेस मतलब रन, दौड़ते हैं इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, कैसे दौड़ते हैं, स्मूथली, मतलब जब दौड़ते हैं तो कोई मतलब बाधा नहीं डाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। The pace in sleek, sleek मतलब smooth, chivalric certainty, certainty मतलब होता है definiteness, जब वो decide कर ली है दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे, कोई रुक नहीं सकता। The pace in sleek, chivalric certainty, उनका जो speed होता, motion होता था वो without hindrance, without any hindrance, कोई रुक नहीं सकता था, smoothly होता था। So these are the first four lines, और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, एक कैनवास था उसमें क्या कर रहे थे, मूव अबाउट क्विकली और जंप कर रहे थे। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कैसा लग रहा था, टोपाज जैसा लग रहा था जो ग्रीन वर्ल्ड में, ग्रीन कैनवास में थे। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उसमें ट्री था उसके नीचे लोग भी थे, लेकिन ये जो टाइगर्स थे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, वो डरते नहीं थे लोगों से, दे वर फियरलेस, दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, वो दौड़ते थे विदाउट एनी हिंड्रेंस और वो सर्टेन निश्चित थे इसके बारे में। नेक्स्ट स्टेंजर, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, तो द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स ओपन बाय आंट जेनिफर ऑन द कैनवास, तो कैनवास में जो टाइगर्स का, टाइगर्स को वेव किए है आंट जेनिफर, उसके बारे में डिस्क्राइब किए है कौन, पोएट। तो क्या किया था, ये जो टाइगर्स थे ये चिवलरिक थे, ये स्लीकली मूव करते थे और ये सर्टेन थे, ये जो टाइगर्स थे, दिस टाइगर्स वर द क्या सिम्बोलाइज, दिस टाइगर्स सिम्बोलाइज फ्रीडम, दिस टाइगर्स सिम्बोलाइज लिबर्टी और पावर, ये सब सिंबलाइज करते हैं, मतलब द टाइगर
ओवन बाय आंट जेनिफर रिप्रेजेंट क्या पावर रिप्रेजेंट लिबर्टी दे आर फ्री मतलब वो कुछ भी कर सकते कहीं भी जा सकते दे आर फ्री देयर मूवमेंट इज स्लिक मतलब वो स्मूथली मूव करते हैं और दे डोंट फियर मैन किसी को किससे भी डरते नहीं है ये टाइगर तो दिस टाइगर्स रिप्रेजेंट लिबर्टी दिस टाइगर्स रिप्रेजेंट फ्रीडम दिस टाइगर्स रिप्रेजेंट और क्या रिप्रेजेंट करते हैं टाइगर्स पावर पावर स्ट्रेंथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा इसमें क्या किया है एड्रियन रिच द पोएट क्या कि डिस्क्राइब्स द वो जो वोमेन कौन थे वो आंट जेनिफर उसके बारे में डिस्क्राइब किए आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल नाउ द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट आंट जेनिफर उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल पहले ही बताए थे शी वाज वीविंग वो वीव कर रहे थे स्टिचिंग कर रहे थे एक कैनवास के ऊपर आंट जेनिफर्स टाइगर्स सॉरी फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फ्लटर का मतलब क्या होता है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल टू मूव फ्रीली एंड क्विकली like birds butterfly birds and butterflies जैसा क्या होता है जो freely और quickly move करते हैं उसको क्या बोला जाता है flutter तो aunt jennifer का जो fingers थे वो भी फटार कर रहे थे मूव कर रहे थे विदाउट एनी एफर्ट एफर्टलेसली मतलब उनका जैसे हैबिट हो चुका था एफर्टलेसली वो मूव कर रहे थे किसके ऊपर वो जो कैनवास था उसके ऊपर एक्चुअली शी वाज वीविंग क्या वीव कर रहे थे टाइगर ट्रीज मैन कहाँ ऑन द कैनवास कैनवास के ऊपर ऑन द स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर वो क्या कर रहे थे वीव कर रहे थे तो उनका जो फिंगर्स थे वो बहुत क्विकली और फ्रीली मूव कर रहे थे जैसे शी वॉज हैबिचुएटेड टू इट है ना थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल बट शी वॉज वेरी वीक वो तो वीक कर रहे थे लेकिन शी वॉज वेरी वीक एंड शी वॉज अनहैप्पी दैट इज वाई क्या हो रहा था फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल जो आइवरी नीडल था नीडल का मतलब क्या होता है सुई वो आइवरी का बनाया हुआ था आइवरी मतलब क्या है हाथी का जो दांत होता है उसको आइवरी बोला जाता है तो आइवरी का बनाया हुआ नीडल था तो वो भी जब वो बुन रहे थे जो वीव कर रहे थे तो वो जब पुल कर रहे थे ना सुई को वो कैनवास से तो वो भी उनको डिफिकल्ट लग रहा था वो भी उसके लिए हार्ड था बहुत कठिन काम था क्योंकि हर फिंगर्स वेर वीक है ना बहुत वीक थे द मैसिव वेट क्यों आप वेट बताए हैं व्हाई व्हाई इट वाज हार्ड इवन टू पुल द आइवरी नीडल फॉर किसके लिए आंट जेनिफर के लिए इवन ये जो पुल करना सुई को वहां से निकलना वो भी हार्ड लग रहा था कठिन लग रहा था क्यों क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मैसिव मतलब बहुत हैवी बहुत ज्यादा हैवी बहुत ज्यादा हैवी मैसिव का मतलब होता है हैवी वेट बोझ ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड जब उन लोगों का शादी हुआ था अंकल के साथ किसका आंट जेनिफर का तब क्या किए थे उन्होंने एक रिंग बैंड का मतलब क्या होता है रिंग रिंग पहनाए थे आंट जेनिफर को कौन पहनाए थे अंकल तो अंकल ने आंट जेनिफर को शादी के वक्त वेडिंग के वक्त क्या किए थे एक रिंग पहनाए थे तो वो
उनके लिए आंट जेनिफर के लिए अभी बोझ बन गया था. इट वॉज अ मैसिव वेट फॉर हर. वो एक बोझ बन गया था. क्यों बोझ बना था, क्यों बोझ लगता है? ये जो अंगूठी है तो उतना भारी नहीं है, उतना मतलब बहुत लाइट है, उतना हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए बोझ था. क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था शादी में, जो ड्यूटीज उनको निभाना था, वो बहुत कठिन थे. और शादी में कुछ ऑब्लाइगेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सब मानना पड़ता है, तो वो सब भी उनके लिए कठिन था मानना. इसलिए शादी उनके लिए कैसे था, बहुत मतलब हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था. हर मैरिड लाइफ वॉज नॉट हैप्पी. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. तो वो जो वेडिंग बैंड, वेडिंग के टाइम पे जो बैंड पहनाए थे, जो रिंग पहनाए थे, वो उनके लिए क्या था, मैसिव, बहुत हैवी था. सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. और उनका हाथ में क्या हुआ था, हैवीली, बहुत बोझ बन गया था, हाथ में एक्चुअली सेट हो गया था और बहुत हैवी लग रहा था उनको. एक्चुअली सी वॉज नॉट हैप्पी विद द मैरिज. इस मैरिज के साथ वो हैप्पी नहीं थे, इसीलिए वो बोझ लगता था उनको, है ना. तो शादी में क्या होता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जो निभाना पड़ता है, कुछ ड्यूटीज होते हैं वो भी निभाना पड़ता है, और कुछ ऑब्लाइगेशंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कर नहीं सकते. सब शादी करने के बाद, शादी मैरिड लाइफ में बहुत सारे चीज ऐसा होता है जो नहीं कर सकते. तो ये सब जो चीज़ें थे उनके लिए बहुत ज़्यादा था आंट जेनिफर के लिए, और इसलिए ही वॉज नॉट हैप्पी विद द मैरिज. इसलिए वो शादी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे. एक्चुअली कहीं कहीं ऐसा होता है जो जो समाज, एक्चुअली समाज में जो मैन होता है, मैन डोमिनेटेड जो सोसाइटी होता है, वहाँ जो फीमेल होते हैं उनका, उनको जीना थोड़ा सा कठिन होता है. तो इसलिए जो आंट जेनिफर थे उनके लिए उस मतलब मैरिज लाइफ वो अच्छा नहीं था, उनके लिए वो हैप्पी नहीं था मैरिज लाइफ. इसलिए वो अंगूठी जो पहनाए थे, कौन, अंकल ने, वो उनके लिए बोझ था. नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा, इसमें क्या किए थे. फर्स्ट स्टैंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, किसके लिए डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर कोवन बाय आंट जेनिफर. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स अबाउट आंट जेनिफर, द फिजिक ऑफ आंट जेनिफर, उनका जो फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, उसके बारे में डिस्क्राइब किए. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होगा देखिए. व्हेन आंट इज डेड, फ्यूचर के बारे में बताए, फ्यूचर के बारे में, जब आंट इज डेड, जब वो आंट जेनिफर वो मर जाएंगे, विल डाई, हर टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड मतलब फाइटेंड, डरा हुआ, उनका जो हाथ जो डरा हुआ है, विल लाई स्टिल रिंग, क्या होगा, विल लाई स्टिल, शांत रहेंगे, स्टिल मतलब लाइफलेस, उनका हाथ, उनके अंदर तो लाइफ नहीं होगा, तो हाथ भी लाइफलेस हो जाएगा. स्टिल का मतलब क्या है, लाइफलेस. रिंग्ड विथ ऑडियल्स, लेकिन वो जो हाथ होगा वो भी सराउंडेड रहेंगे, रिंग्ड, सराउंडेड, वो घिरा हुआ रहेगा विथ ऑडियल्स. ऑडियल्स, ऑडियल्स का मतलब क्या होता है, ग्रेट ट्रावल्स, ट्रायल्स, है ना. ऑडियल्स मतलब क्या होता है, ट्रायल्स और ग्रेट ट्रावल्स, कठिन परीक्षा जो हमेशा उनको देना पड़ा था, जो कठिनाई का सामना करना पड़ा था, किसको, आंट जेनिफर को, उसको बोला जा रहा है विथ ऑडियल्स, ऑडियल्स बोला जा रहा है, ट्रायल्स बोला जा रहा है, द ग्रेट ट्रावल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय. तो क्या किया गया था, उनको डोमिनेट किया गया था, कौन डोमिनेट किए थे, अंकल ने, उनको बहुत सारे चीजें करना पड़ा था, वो डोमिनेट करते थे, वो मास्टरी करते थे, किसके ऊपर, आंट जेनिफर के. तो ये सब कुछ सहना पड़ा था किसको, आंट जेनिफर को, इसलिए वो डर गए थे, बहुत फाइटेंड थे, सी वॉज फाइटेंड. तो यहाँ पोएट बता रहा है जब उनका मृत्यु हो जाएगा, जब मर जाएगी, तब भी क्या होगा, तब भी उनका जो ये ऑडियंस है ये उनको घिर के रखेंगे, ये ऑडियंस, ये ट्रायल्स, ये ग्रेट ट्रावल्स, फिर भी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे.
The tigers in the panel that cement. लेकिन वो जो पैनल जो था वो जो स्क्रीन था वो जो कैनवास था जिसके ऊपर क्या बनाए थे उन्होंने टाइगर्स बनाए थे टाइगर्स बनाए थे वेव किए थे वो टाइगर्स दैट सीमेंट जो बनाए थे विल गो ऑन फेंसिंग वो फ्रेंस जो वर्ड पहले मिला था फिर भी वो फ्रेंस करेंगे वो मूव करते रहेंगे वो रन करते रहेंगे जंप करते रहेंगे है ना तो विल गो ऑन फेंसिंग वो फिर भी फ्रेंस करते रहेंगे और प्राउड एंड अनअफ्रेड और फिर तब भी वो जो टाइगर्स थे वो प्राउड वो प्राइड फील करते रहेंगे और अनअफ्रेड तब भी वो किसी से डरेंगे नहीं तो ये था पोएम ये क्या था एक आंट जेनिफर के बारे में बताए कि वो क्या थे ही वॉज अनहैप्पी अबाउट हर मैरिड लाइफ बहुत अनहैप्पी थे उनके मैरिड लाइफ में जो ऑब्लिगेशन जो रेस्ट्रिक्शन मैरिज में होता है वो सब वो सह नहीं पा रहे थे तब क्या किए उनका जो सेल्फ था जो स्पिरिट था वो क्या किए वो बाहर निकलना चाहते थे जो वो फ्रीडम चाहते थे वो लिबर्टी चाहते थे वहाँ से वो जो मैरिज लाइफ था वहाँ से एस्केप करना चाहते थे तब क्या किए तब आंट जेनिफर ने उनका जो अंदर का जो सैडनेस जो चाहत उसको क्या किए वो बाहर निकलना चाहते थे उसके लिए क्या किए उन्होंने आर्ट आर्ट का सहारे लिए आर्ट वो क्या किए एक कैनवास बनाए कैनवास क्या होता है कपड़ा का टुकड़ा लिए और वहाँ टेपेस्ट्री टेपेस्ट्री इज आर्ट फॉर्म यहाँ क्या होता है एक कैनवास के ऊपर वीव किया जाता है उल से या कुछ धागा से है ना तो उसमें क्या किए वो टाइगर बनाए टाइगर कैसा था फियरलेस टाइगर जो ये प्राइड टाइगर्स कैसे थे प्राउड और फियरलेस जो किसी से डरते नहीं और बहुत राजा प्राउड लाइक अ किंग किंग जैसा क्या था वो प्राउड तो एक टाइगर बनाए जिसके थ्रू दिखाना चाहते थे कि उनका जो स्पिरिट है उनका जो सोल है वो क्या चाहते हैं वो फ्री बनना चाहते थे वो भी प्राउड फील करना चाहते थे कौन आंट जेनिफर उससे क्या किए इसीलिए उन्होंने वो टाइगर्स को बनाए और वो दिखाना चाहते थे कि वो भी जो डरा मतलब जी रहे हैं किससे डर रहे थे वो जो मैरिज लाइफ था या ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज लाइफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज लाइफ उससे डरते थे उससे अनहैप्पी थे तो वहाँ से वो क्या पाना चाहते थे राहत पाना चाहते थे वहाँ से वो जो मैरिज लाइफ था वहाँ से एस्केप पाना चाहते थे इसलिए वो क्या किए वो ड्रॉ किए ड्रॉ नहीं किए वो पेंट बनाए आर्ट फॉर वीव किए टाइगर्स है ना सेकेंड स्टेंजमा क्या किए पोएट ने आंट जेनिफर का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में बताए वो खुश नहीं थे मैरिज लाइफ से वो क्या कर रहे थे उनका जो फिंगर्स थे वो खटार कर रहे थे किसके ऊपर वो कैनवास के ऊपर खटार कर रहे थे और वो इतना वीक थे कि वो जो आइवरी नीडल नीडल जो था जो सुई था वो भी वहाँ से कैनवास से पुल नहीं कर सकते वो हार्ड लगता था उनको पुल करने और वो जो अंगूठी पहने हुए थे उनके लिए क्या था बोझ लग रहा था इसलिए भी हो सकता है वो पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और नेक्स्ट स्टेंज में क्या किए वो देखे दोनों का सिचुएशन जो था टाइगर का सिचुएशन कैसा था जैसा वो प्राइड थे प्राउड थे वो स्ट्रांग थे लीवर मतलब फिट फिट थे तो लास्ट में भी फ्यूचर में भी क्या होगा वो टाइगर वैसे ही रहेंगे जैसा इट वॉज फी इट वॉज प्राउड इट वॉज स्ट्रांग अंत में भी लास्ट में भी टाइगर वैसा ही रहेंगे और आंट जेनिफर जो कैसी थी मतलब सी वॉज अनहैप्पी विथ हर मैरिज लाइफ वो अफेक्ट सी वॉज अफेक्ट जैसी थी लास्ट में भी वो अफेक्ट ही रहेंगे वो डरते रहेंगे किसको जो ऑडियंस थे जो ऑडियंस थे जो ट्रैवल्स थे वो घिरे घिरा हुआ रहेंगे जब वो मर जाएंगे तब भी और लेकिन ये टाइगर्स जो थे वो इन द पैनल दैट्स मेड द टाइगर्स वो पैनल में क्या करते रहेंगे विल गो ऑन फेंसिंग जैसे पहले मूव करते थे जैसे पहले रन करते थे जैसे पहले क्या करते थे वो जंप करते थे ऐसे ही टाइगर्स फेंस करते रहेंगे जंप करते रहेंगे और जैसे प्राउड था जैसा अनअफ्रेड था फियरलेस था वैसा ही टाइगर्स रहेंगे
So this was the poem, the last poem, Aunt Jennifer Steiger. Thank you for today. We'll meet the next.